नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ भी बहुत सारा अपडेट करूँगा। आप लोगों को एक एक करके मैं लिंक दिखा के खोल के दिखाऊंगा, उसका लिंक भी आप लोगों को पूरा दिया जाएगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा। मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने डिस्कस करूंगा और को कैसे किया जा सकता है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग से कमा सकता है गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। ये मैंने पार्ट वन में दिखाऊंगा कैसे आप लोग स्विंग ट्रेडिंग से गारंटीड प्रॉफिट देख सकता है। उसके बाद मैंने ये जो मेरे एक्सेल फाइल में न्यूज़ है तो इसमें इसका एक एक लिंक इस सारे कॉपी करके रखा है, ये मैंने एक एक लिंक का खोल के दिखाऊंगा और ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसको मेरा ये चैनल को जरूर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप मतलब बाइसिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वो देता हूँ, वो भी आप लोग बहुत सारा स्टॉक्स इक्विटी कमोडिटी का लेवल्स आप लोगों को मिल जाता है, वो भी आप लोग को बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और लाइव मार्केट में मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो चार्ट का सेटअप्स है जो आप लोग बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ आप लोग ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कमा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा स्टॉक मार्केट के जानकारी के लिए बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है। ये जो सोच लीजिए ये स्विंग ट्रेडिंग मैंने एक मेरे आइडिया है तो इसको आप लोग को दिखाऊंगा। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ मैंने मेरा यूट्यूब चैनल पे है तो ये आप लोग को जब जब मैंने आता है तो मैंने वीडियो लोड कर देता हूँ, मेरा नॉलेज पे आता है या आइडिया आता है। और ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, उसमें आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हो सकता है नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इतना सारा लिंक भी दूंगा और हो सकता है सब वीडियोस का नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप लोग पिछले वाले वीडियोस देखिए तो उसमें आप लोग को यूट्यूब इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी मिल जाएगा और एंजल बुकिंग आस्था ट्रेड एलिस ब्लू में स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा। मेरा तरफ से कुछ बेनिफिट रहेगा उसमें से आप लोग मेरा लिंक से ज्वाइन होने होंगे तो इसके बाद मैंने इसके अलावा आप लोग डिस्टॉक फिनेंशियल सोल्यूशन में आप लोग ज्वाइन होना चाहे डिस्टॉक फिनेंशियल सोल्यूशन आप लोग को डीमेट अकाउंट ओपन करवा जाएगा, इसीलिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। उसमें डिस्टॉक फिनेंशियल सोल्यूशन एक रिसर्च फॉर्म है, उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करवा जाएगा, उसके बाद आप लोग को फ्री टिप्स दिया जाएगा जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए मैंने पहले जो डिस्कस करूँगा स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे स्विंग ट्रेडिंग से कमा सकता है गारंटीड प्रॉफिट, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा मेथड है जो अगर आप जान गए इसे जुड़े अलग अलग पहलू को समझ गए तो फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आपको डे ट्रेडिंग इंटरडे ट्रेडिंग से ऑलरेडी कम चल रहा है, फिर अपने दिमाग में क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर डालें और स्विंग ट्रेडिंग नाम ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसके जवाब में मैंने आपको एक सवाल करूंगा और अगर इसका जवाब है तो आप ये वीडियो को देखना वरना मत देखना। मेरा सवाल है, अगर आपके सामने एक सोने के खान है जिसमें बिलियंस वर्थ का सोना है और आप सिर्फ एक कटोरा लेके गए हो सोना लेके लेने आने के लिए और आपके दोस्त एक बड़ा ट्रक लेके आया है तो कौन ज़्यादा सोना ले जाएगा? आपको आपका दोस्त आप इसको शेयर मार्केट में नज़रिए में इसे देखेंगे तो क्या है सकता है कह सकता है कि शेयर मार्केट एक सोने की खान है, यह हर दिन बिलियंस का डील होता है लेकिन यह पैसे वाला वही होता है जिसको पता है कि पैसा का सोर्स कहाँ है और कैसे उस पैसे को
आप अपने जेब में डाल सकते हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे उस पैसे को आपने जेब में डाल सकता है। बहुत सारा लोग हम लोग प्रॉफिट तो कमा लेता है लेकिन जेब में नहीं डाल सकता है, नहीं रख सकता है, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप ऐसा टेक्निक सीखे चाहोगे या अंधे की तरह बिना कोई सामान के साथ एक कटोरा लेके मार्केट में चौकत में हर दिन बैठे रहोगे कि देखिए क्या मिलता है आज? इसका जवाब अगर ये है कि आपको मार्केट में के अंदर घुसना है और पैसे का सोर्स जान है, तो फिर वीडियो एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एंजल बुकिंग में आप लोग ज्वाइन हो सकता है, ठीक है, इसको आप लोग ऑनलाइन से पढ़ सकता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में मार्केट का अप डाउन मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना, उसका फ़ायदा उठा के सही डील करना और रेगुलर कमाई से डबल कमाई करना। आप सोच रहे हैं होंगे इंटरडे में भी तो हम यही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इंटरडे में डेली अप एंड डाउन का लेवल का लिमिट होता है। इंटरडे पे कंपनी को उठाने के लिए आप कौन से एनालिसिस का करते हैं? कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेटेस्ट कंपनी न्यूज़ जैसे क्वार्टर रिजल्ट्स, एक्विजिशन, एनी क्राइसिस एक्सेट्रा, फ्यूचर डील्स व्हिच द कंपनी माइट मेक एंड दैट माइट इंपैक्ट इट्स शेयर टुडे। अब इनके बारे में बात करते हैं। कंपनी फंडामेंटल्स क्वार्टर वाइज चेंज होता है और फंडामेंटल्स मोस्टली इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है तो सारे बैंक्स का मेजॉरिटी में अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होता है आपको तब मिलेगा जब ये पब्लिक के सामने आएगी, मतलब ये सब का पास सेम इंफॉर्मेशन जाएगा, तो फिर आपके लिए लिवरेज क्या रहा। सब लोग एक ही शेयर पे नज़र लगेंगे, भीड़ ज़्यादा होगी तो मुनाफा का परसेंटेज कम होगा। इसे आज़ादी दे सकता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको भी शेयर को एक सर्टेन टाइम विंडो के लिए लेते हैं, जैसे कुछ वीक्स या कुछ महीना, दो तीन महीना। इन शेयर्स के लिए से पहले कुछ फैक्टर ध्यान में रखना है होता है, किसमें से है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब है कि आपका अगर कोई शेयर को 100 रुपीज़ में खरीदते हैं, स्टॉप लॉस लगा तो 95 पर, और तो आपका रिस्क रहता है 5 INR का। और आप शेयर का टारगेट है 110 INR, तो आपका रिवॉर्ड है 10 रुपीज़ का। आइडियली आपका रिस्क कम और रिवॉर्ड जितना ज़्यादा हो उतना ही आपका स्ट्रेटजी बेहतर है, लेकिन रिवॉर्ड मांगने से अगर मिल जाता तो फिर दुनिया का नक्शा कुछ अलग होता। आज मैंने टॉपिक पे हम ये आएंगे कि क्या हो कोई भी रैंडम नंबर पकड़ ले या फिर ऑनलाइन एडवाइजरीज को ब्लाइंडली फॉलो करे, उनको कैसे मिलता है टारगेट प्राइस। आंसर है टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक्स, जो मैंने आपको बहुत सीधे शब्दों में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। टेक्निकल एनालिसिस कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो अगर आप जान गए तो फिर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है स्टॉक प्राइसेस प्रेडिक्ट करने के लिए और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। इन सब बारे में डिटेल में अलग से वीडियो करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इनका यूज़ बताऊँगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये देखिए इसका कप एंड हैंडल पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, इसके कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है। इसका जब ब्रेकआउट होता है ये ऊपर जाता है, ठीक है, ये जब कोई भी स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न दिखाया है कि उसको कप एंड हैंडल बोलता है। जब कोई स्टॉक्स कंटिन्यूसली हाई पे जा रहा है होता है तो उसका ओल्ड हिक्स पे सेलिंग प्रेशर आता है, फिर वो डाउन ट्रेंड में आएगा फॉर 4-5 वीक्स, ये एक महीना तक तब ये कप पैटर्न बनेगा। लेकिन उसके बाद हैंडल पैटर्न का बनने का मतलब है कि शेयर पे बाइंग प्रेशर आएगा। ये नॉर्मली कोई भी शेयर के बुल ट्रेंड को सिग्निफाई करता है, मतलब आपको शेयर के एक या दो महीने के चार्ट पर ऐसा पैटर्न दिखे तो समझ लीजिए कि ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और स्विंग ट्रेडिंग के लायक है।
अच्छा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के काम आता है। अगर आप कोई भी स्टॉक्स चार्ट में नीचे पे पिक्चर जैसे दिखा जा रहा है, सेंटर में हाईएस्ट पिक एंड लेफ्ट राइट पे सामने हाइट के छोटे पिक मैंने नीचे से दिखाऊंगा, शेयर जाने वाले उसके हिसाब से आपको अपना स्विंग ट्रेडिंग का कॉल लेना होगा, ठीक है। ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका लेवल जब ब्रेक करेगा तो इसको आप लोग को देख सकता है। तो इसका सीवाई के रिवर्सल कैंडलस्टिक और फ्लैग्स एंड ट्रायंगल्स पैटर्न भी बहुत इफेक्टिव मार्कर्स है, इनके बारे में जानना है तो मेरे अगले वीडियो के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, रिक्वायर्स लेस टाइम टू ट्रेड दैन डे ट्रेडिंग, मैक्सिमाइज शॉर्ट टाइम प्रॉफिट पोटेंशियल बाई कैप्चरिंग द बल्क ऑफ मार्केट स्विंग्स, ट्रेडर्स कैन रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन टेक्निकल एनालिसिस, सिंप्लीफाइंग द ट्रेडिंग प्रोसेस। कॉन्स जो है मतलब क्या, इसमें डिमेरिट्स क्या है, ट्रेड पोजिशन सब्जेक्ट टू ओवर नाइट एंड वीकेंड मार्केट रिस्क, एब्रप्ट मार्केट रिवर्सल कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल लॉसेस, स्विंग ट्रेडर्स ऑफन मिस लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स इन फेवर ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स। ये सब इसका डिमेरिट्स है, तो इसमें से आप लोग को दिखाऊंगा आप लोग इसका मतलब कैसे करेंगे, तो इसको इसके लिए आप लोग को कुछ दिखाऊंगा। तो देखिए, फर्स्टली जो मैंने चार्ट टेक्निकल एनालिसिस आप लोग कैसे कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस ने मैंने जो वीडियो डाला है एंकर BWAP, ठीक है, इसमें से आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही अच्छी तरह से पता चलेगा। सोच लीजिए, जो एक आप लोग को एक दो महीना पहले का एक लो लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका जो सबसे हाई का जो है उसको ले लेंगे, ठीक है, और उससे उसके बाद इसका भी लो जो है, इसका जो लो बना है उसको भी एक एंकर BWP लगा लेंगे। तो मैंने इधर से देख लीजिए, 29/5 में मैंने एक लगा है, ठीक है, 29/5 में लगा है, ये 29/7 में एक लगा है, ये टॉप, ठीक है। आप लोग जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता है, इसमें एंकर BWP लगाए, 3/8 में सबसे ज़्यादा लो हो गया था, रिसेंट लो, ठीक है। आप लोग इधर जितना सारा हो सके आप लोग इधर से आप लोग एक एंकर BWP लगा सकता है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा एंकर BWP वाला वीडियो देख लीजिए, मार्केट एनालिसिस एंकर BWP, ठीक है। इधर से आप लोग लगा सकता है एक स्विंग लो से, या इधर से एक स्विंग लो बना, इधर से एक स्विंग लो बना, तो देखिए जब तक इधर से इसका ऊपर है आप लोग ट्रेड में बने रहिए, और जब भी इसका नीचे आ गया है तो इसको स्विंग बाहर हो जाइए। तो इसमें तो आप लोग को बहुत ही अच्छा दिखेगा कि इसका, और इधर से आप लोगों को टारगेट भी कितना, स्टैंडर्ड डिविएशन ये टारगेट भी कितना है, स्टॉप लॉस भी कितना है, आप लोग को दिख जाएगा, और आप लोग फिबोनाची लेवल्स का भी सहारा ले सकता है, फिबोनाची लेवल्स का भी आप लोग सहारा ले सकता है। सोच लीजिए इसका, मैंने इधर से सोच लीजिए मैंने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो सोच लीजिए पहले वाला ये पीछे वाला लेवल्स बना नहीं है, मैंने इसको इधर तक दिया है, तो इसमें इसका देखिए, इसका जो 32% इसका जब ये देखिए इधर से ये रिट्रेस होके आया है, ये नीचे का जो 38.2% इधर से ये ये सोच लीजिए इधर तक गया था, ठीक है, इधर से इसका जो 38.2% का नीचे आया नहीं है, इसका इधर से सपोर्ट लगा, फिर से ऊपर जा रहा है, तो फिर से जब ऊपर जाएगा एटलीस्ट 32% ये आप लोग देख सकता है, उसके बाद ये 61% भी ये जा सकता है, ठीक है, नहीं तो इधर से भी इससे आप लोग पोजीशन ले सकता है, 38.2 के ऊपर भी आप लोग पोजीशन ले सकते हैं, तो आप लोग को इतना प्रॉफिट अर्ली 61.8% का प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा वो जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत तरीका से बहुत एंगल से आप लोग को लगा है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए, एंकर BWAP वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, और ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में भी आप लोग कैसे इस्तेमाल किया कर सकते हैं उसका वीडियो भी देख लीजिए, उसको भी अलग से मैंने वीडियो बनाया है। तो इसमें और भी आप लोग स्टॉक्स कैसे चुने, स्टॉक्स का कैसे चुन सकता है आप लोग, उसको भी आप लोग इधर से देख सकता है।
सोच लीजिए screenart.min में आप लोग आ सकता है। screenart.min में आप लोग इधर से सोच लीजिए, इधर देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500, प्राइस अर्निंग रेशियो लेस देन 15 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 22%, पे रेशियो 1, इसमें से आप लोग को इसमें सोच लीजिए। मैंने और भी क्राइटेरिया लगा लेता हूँ सोच लीजिए, एंड इसको सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स मैंने देख लेता हूँ। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स सोच लीजिए मैंने डालूँगा ग्रेटर देन 10 डालता है, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आ जाता है वो भी आप लोग को, इसको मैंने एक्चुअली सेव करके रखा था। तो इधर देखिए, इधर आप लोग को 45 रिजल्ट्स आता है, इसमें से आप लोग हर एक को कंपेयर कर सकता है। इसके बाद और भी आप लोग डाल सकता है, सोच लीजिए डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये सब के लिए आप लोग को फिनेंशियल मतलब जानना पड़ेगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो सोच लीजिए 0.6 से कम होगा, ठीक है, इसका एंड देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, इसका एंड देना पड़ेगा। इसके बाद ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपनी का डेप्ट कम है, इसमें ये पता चलता है कि कंपनी इस कंपनी का डेट इसका पता चल मतलब कम है। डेप्ट कवरेज रेशियो ये इक्विटी का, इसका जो इक्विटी कैपिटल है उसमें से इसका ज़्यादा है। इसके साथ इसका रन क्वेरीज करूँगा तो देखिए ये लिस्ट और भी छोटा हो जाएगा। देखिए 44 का रिजल्ट आ गया, 45 था। इसके बाद और भी मैंने डालता हूँ, सोच लीजिए इसका क्या करें, और जो रेशियो है पेग रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सोच लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका है तो इसका सोच लीजिए ग्रेटर देन एटलीस्ट 15 होना चाहिए, ठीक है। इसको इधर से फिर से एंड देना पड़ेगा। screenart.in बहुत ही अच्छा है, इसमें जो लोग मतलब ये फिनेंशियल रेशियोस को पता है मतलब नॉलेज है, और जो लोग ये क्वेरीज रन करना जानता है उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये और भी 45 ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये ग्रेटर देन 15 रहता है। इसके बाद सोच लीजिए आपको दे लिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी 1 के कम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट देता है उसका मतलब अब इंटरेस्ट जो आप लोगों को देना पड़ता है डेप्ट का, तो और प्रेफरेंशियल डिविडेंड जो देना पड़ता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड होता है ये भी एक लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये लेस देन 1 होना चाहिए, इसका अच्छा है, ठीक है। लेस देन 1 होगा तो इसका अच्छा मिलता है। इसका जो इतना सा ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो गया है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको मैंने थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा सोच लीजिए 2 कर देता हूँ, तो इसका देखते हैं। हाँ, इसमें से थोड़ा सा आता है तो आप लोग भी समझ सकता है तो इसका कितना मीनिंगफुल है। तो इसमें से आप लोग स्टॉक्स चुन सकता है, ठीक है। ये और इसका सोच लीजिए डिविडेंड डील्ड मैंने कर देता हूँ, डिविडेंड डील्ड आप लोग को ये सब नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड डील्ड ग्रेटर देन सोच लीजिए मैंने 15 कर दिया है, ठीक है। इसका भी करते हैं तो कुछ नहीं आता, नहीं इसमें एंड कर देना पड़ेगा इसीलिए नहीं आ रहा है। तो इसको मैंने एक बार हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब टाइट हो गया है तो इसीलिए इसका कम दिख रहा है मतलब इतना कम हो गया है। तो इधर को रन करते हैं, इसको भी थोड़ा सा टाइट हो गया है डिविडेंड यील्ड मतलब इसका मतलब क्राइटेरिया थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप लोग हर एक सेगमेंट में जाके आप लोग चुन सकता है। इसका मैंने रन क्वेरीज करता हूँ तो ये देखिए इधर के इसका आप लोग कौन सा सेक्टर, इसके बाद इस इधर से आप लोग क्या करेंगे सोच लीजिए, इतना सा स्टॉक्स आप लोगों के सामने है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, इसका एक एक करके खुल के देखेंगे। इसका देखिए पी रेशियो कम है, आरओई इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ज़्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है।
हाँ बुक वैल्यू तो ये भी मतलब इसका भी एक ज़्यादा से मैक्सिमम 5 होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इसका आप लोग डिटेल्स देख सकता है इधर से, और इधर से मतलब इसका साथ ही इसका कंपैरिजन भी आप लोग देख सकता है दूसरा कंपनी इसका कंपैरिजन, बहुत सारा चीज़ इसमें आपको आप लोग को। अच्छा इसका तो एक हो गया है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि सोच लीजिए इधर से आप लोग इतना सारा स्टॉक्स आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है, इधर से इतना सारा स्टॉक्स आप लोगों के सामने आ गया है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे सोच लीजिए, सेक्टर वाइज आप लोग जाएंगे, सेक्टर वाइज स्टॉक एनालिसिस सोच लीजिए, स्टॉक एनालिसिस, ठीक है। इसे मनी कंट्रोल का एक लिंक निकलेगा, मनी कंट्रोल का जो लिंक है उसमें से आप लोग सेक्टर में मतलब सेक्टर का एनालिसिस आप लोग को कर सकता है, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। आप लोग वन माइंड का देख सकता है मतलब मैंने कैसे स्टॉक्स चुनता है, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो डाला हूँ तो उसको भी आप लोग देख सकता है। ये एनएससी में करता हूँ, मैंने बीएससी में ज़्यादा आ जाता है एनएससी, इसका ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, इसको भी डालता हूँ। और आप लोग पूरा वीडियो पूरा देखिए, इसको देख के इसके बाद मैंने न्यूज़ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका टुडे नहीं, ये एक्चुअली मैंने मंथ टू डेट करता हूँ या क्वार्टर टू डेट करता हूँ, या टू डेट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनता हूँ। तो इधर देखिए, इधर एडवांस डिक्लाइन रेशियो कौन सा सबसे ज़्यादा है, ये एग्री कमोडिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसका कौन सा सबसे ज़्यादा है तो ये देखिए, इधर एडवांस डिक्लाइन रेशियो इधर केमिकल्स में ज़्यादा दिख रहा है, इसके बाद ये फुटवेयर में हेल्थ केयर में ज़्यादा है, ठीक है। तो हेल्थ केयर में इसका, इसके बाद ये सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज में, ठीक है, क्वार्टर टू एंड में ये इसका ज़्यादा दिख रहा है। तो इसके अंदर आप लोग क्या है जो कॉमन इधर से सोच लीजिए, मैंने क्या लेंगे केमिकल्स कौन सेक्टर देखेंगे, सोच लीजिए केमिकल्स को ले लिया, ठीक है। इसमें से देखिए आप लोग कौन सा कंपनी है मतलब केमिकल्स ज़्यादा अच्छा है। तो इधर देखिए पेंट्स जो है वो पेंट्स केमिकल्स का अंदर पेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसके अंदर कौन सा कंपनी सबसे अच्छा कर रहा है, बर्जर पेंट, अजंता फार्मा, जो नोवेल, ये सब का आप लोग टेक्निकल एनालिसिस इसका कर सकता है। और आप लोग इधर से ये जो आप लोग करके रखा है इसमें से पेंट का कंपनी कुछ है क्या, या केमिकल्स वगैरह आईओएल सोच लीजिए, आईओएल केमिकल्स, ठीक है, इसका को मतलब ये सब आप लोग ऐसे करके मेगानिमी ऑर्गन, ठीक है, ये मेगामनी ऑर्गन, ठीक है, ये सब टाटा मेटालिक्स ये सब केमिकल्स के अंडर आएगा। तो इधर से आप लोग कॉमन ढूंढ ले सकता है, और उसके बाद उसका हिसाब से और भी बहुत सारा चीज़ है, उसके बाद ही आप लोग मैंने दिखाता हूँ, एक एक करके दिखाऊंगा, उसके बाद स्टेप वाइज आप लोग देख सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया है, इसके बाद मैंने सोच लीजिए उसका हो गया है, उसके बाद आप लोग देख सकता है इधर से, हाँ तो इधर देखिए मैंने, उसके बाद आप लोग इधर से आएंगे टॉप स्टॉक सर्च में, इधर से आप लोग एंड ऑफ द डे ट्रेंड्स आप लोग देख सकता है, ठीक है। तो इधर से आप लोग लास्ट वन मंथ का ट्रेंड या थ्री मंथ का देख सकता है, तो पहले आप लोग का, इसके बाद आप लोग ब्लू चिप स्टॉक्स या फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर्स आप लोग देख सकता है। तो इसके अंदर कौन सा आप लोगों को कॉमन मिल रहा है वो उसमें से ही आप लोग स्टॉक चुन सकता है, ठीक है, उसमें से आप लोग को उधर से स्टॉक्स देख सकता है। इसके बाद फर्स्ट तो लास्ट थ्री मंथ का दिया है, ठीक है, लास्ट वन मंथ दिया है, उसके बाद लास्ट 5 डेज आप लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टॉक्स आप लोग को देखना पड़ेगा कि उसके इधर जो सर्च करके रखा है स्क्रीनर डॉट इधर से सर्च करके रखा है इधर से कॉमन आएगा, और कौन सा ये इसका हाई के पास रहेगा। मैंने ऑनली बाई साइड का दिखाता हूँ, सेल साइड के लिए मैंने नहीं दिखाता हूँ, सेल साइड उल्टा होगा, और उसमें सेल साइड एक्चुअली फ्यूचर में ही कर सकता है, कैश सेगमेंट में आप लोग नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टेक्निकल एनालिसिस, आप लोग देखिए इधर से निफ्टी का थोड़ा सा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी अभी बना है, ठीक है, ये जो सबसे दूर का जो लो सबसे ज़्यादा लो था उसका बीडब्ल्यू का नीचे आ गया है। मैंने निफ्टी एनालिसिस विस्तार से डिस्कस किया है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी आप लोग देख सकते हैं, इधर से भी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, बैंक निफ्टी का भी आप लोग को दिखाया था वो आप लोग देख लीजिए,
कहाँ पर इसका क्या पोजीशन है। इधर से थोड़ा सा सपोर्ट है इसका, इधर से इसका सपोर्ट है, लेकिन ये सब सपोर्ट जब इसका टूट जाएगा, इधर से एक सपोर्ट मतलब ये ऑलरेडी बहुत ही गिर चुका है, इधर से गिर चुका है, थोड़ा सा अभी रिट्रेस हो सकता है क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी का भी ऐसा है कि निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है, इधर से एक सपोर्ट लिया है थोड़ा सा, तो ये सपोर्ट ये जो सपोर्ट है ये इसका ब्रेक करेगा तो इसका नीचे जाने का चांस है। तो आप लोग मौके ढूंढे जब जिस दिन इसका नीचे जो आप सोच लीजिए 10,900 का नीचे इसका क्लोजिंग देगा, तो आप लोग उस दिन आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप लोग रख सकते हैं 10,787, इसके बाद 10,718, इसके बाद 10,496, ये सब आप लोग कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीका है इसका ट्रेड करने के लिए। अच्छा इसका तो हो गया है इसका, इसके बाद ये आप लोग को देख 52 वीक हाई 52 वीक लो भी आप लोग देख सकता है, क्योंकि 52 वीक हाई जब कोई स्टॉक्स ब्रेक करता है तो उसका ऊपर कुछ रेजिस्टेंस नहीं रहता है, 52 लो जब ब्रेक करता है उसका नीचे कोई सपोर्ट नहीं रहता है, तो वो भी अच्छा रन करता है, तो उसका भी एक तरीका है, ठीक है। और इधर से आप लोग स्टॉक मार्केट न्यूज़ के लिए आप लोग बहुत सारा मतलब साइट्स है, इधर से एक मोतीलाल ओसवाल का एक होता है, इधर से आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर कितना कौन सा डेट में डिविडेंट मतलब पे आउट करेगा, डिविडेंट डिक्लेयर करेगा, बोर्ड मीटिंग रहेगा, कौन सा रिजल्ट में रिजल्ट आएगा कौन सा दिन में, ये सब स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। ये इसके ऊपर भी आप लोग इसका फंडामेंटल और भी है, मैंने और भी इसका दिखा देता हूँ, स्टॉक रिजल्ट्स का कैलेंडर बहुत ही आप लोग इधर से सर्च करेंगे तो आप लोग को बहुत सारा मिल जाएगा, ये मनी कंट्रोल का मिल जाएगा, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं कौन सा डेट में क्या क्या है इसका, ठीक है। रिजल्ट मतलब रिजल्ट का कौन सा है ये आप लोग इधर से फिल्टर कर ले सकता है, सेक्टर वाइज फिल्टर कर ले सकता है। इधर से थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है, इसे इधर से नहीं दिख रहा है इसीलिए, तो सेक्टर वाइज आप लोग चुन सकता है, ठीक है। और इधर से उसके बाद इधर से कॉमन जो आप लोग स्टॉक चुन के रखा है कॉमन जो है उसके साथ आप लोग मैच करेंगे इस या उसका सेक्टर के एनालिस करेंगे, तो लगता है आप लोग को कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन आप लोग ये सब चीज़ एक साथ जब मतलब मार्च करेंगे एक साथ जब देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों कुछ मिलने से कुछ मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग को मैंने थोड़ा सा मतलब मेरा जो नॉलेज है उसका मैंने दिशा दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मेरा जितना सा नॉलेज है। इसके बाद मैंने और भी इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस डाला है कैसे स्टॉक चुनता है, बेस्ट स्टॉक्स टू सिलेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, और मैंने आप लोग मेरा यूट्यूब वीडियो का शॉर्ट्स में देख सकता है। अच्छा एनएससी इंडिया साइट्स भी आप लोग को हेल्प करेगा, वो इसके एनएससी इंडिया साइट्स में जितना सारा चीज़ है वो आप लोग एक बार मतलब सबको आप लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आप लोग को और किसी का ज़रूरत नहीं होता है। एनएससी इंडिया साइट्स में जितना सारा रिपोर्ट्स और जितना सारा आप लोग सब कुछ मतलब इसका सही तरीके से मतलब इसका इस जानते हैं, तो आप लोग को और कुछ का मतलब कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इतना सारा इंफॉर्मेशन आप लोग काम पे लगा सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकता है। तो इसका इंडिसेस में जाके आप लोग इंडेक्स का सर्च, शायद इसका ये जो पुराना वाला साइट में ये दिखेगा, ये इंडेक्स वाइज ऑल रिपोर्ट्स में एक इंडेक्स वाइज एक रिपोर्ट आता है, एक मिनट मैंने ये सोच लीजिए मैंने इधर जाता हूँ, एक्चुअली पुराना साइट नया साइट में भी होगा, ये पुराना साइट में मेरा जानकारी है, नया साइट में मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है इसको, इसमें इधर सोच लीजिए ये इधर ये पेज ओपन हो गया है, ठीक है। ये लिंक भी आप लोग देख सकता है, ऑल रिपोर्ट्स आप लोग ऑल रिपोर्ट्स एनएससी इंडिया ऑल रिपोर्ट्स सर्च करके ये पेज आप लोग को आ जाएगा, ऑल मार्केट रिपोर्ट्स। तो इधर से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ये मंथली इंडेक्स रिटर्न, ठीक है, इधर से आप लोग ये करेंगे तो एक आप लोग को एक्सेल फाइल आप लोग को सामने आ जाएगा, तो इधर से आप लोग ओपन कीजिए, ठीक है। इसका ओपन होने के बाद वीडियो थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसके बाद आप लोग को ये जो मतलब न्यूज़ है उसको भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए निफ्टी 51 मंथ, तो इधर से आप लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेंगे,
ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। सोच लीजिए, इसको सिलेक्ट किया, डाटा में जाएगा थोड़ा सा एक्सेल फाइल में, जो लोग काम जानता है उसका। सोच लीजिए 1 month, ठीक है, वैल्यूज़ दिया है, ठीक है, वैल्यूज़ आप लोग सोच लीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आप लोगों को पता बताऊंगा। ये निफ्टी फिफ्टी को लास्ट 1 महीना में, निफ्टी फिफ्टी को लास्ट 1 महीना में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म किया है वो आप लोगों को दिखा देगा। सोच लीजिए निफ्टी फिफ्टी USD, निफ्टी फार्मा, निफ्टी IT, इसका दिखा दिया। ऐसे करके आप लोग सोच लीजिए इसका, आप लोग इधर से ये दोनों को सोच लीजिए, आप लोग लिख दिया है 1 month, ठीक है, इधर 1 month लिख दिया है, ये दोनों का 1 month का हिसाब से हो गया, ठीक है। कॉपी करके आप लोग रख लिया इधर, ठीक है, ये दोनों सेक्टर आप लोग को निफ्टी फिफ्टी। इसके बाद आप लोग 3 month कीजिए, 3 month करके कीजिए, ठीक है, 3 month इसका 3 month कीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखिए, निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है, ये सब आप लोग को 3 month, मतलब जो कॉमन पे आएगा तो उसको भी आप लोग लेंगे। ये 3 month, 3 month जो है, सॉरी, और थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो इधर से कॉपी करके आप लोग इधर से इतना तक सोच लीजिए, आप लोग पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसका सोच लीजिए 6 month क्या कर रहा है, तो इधर से आप लोग 6 month कीजिए, 6 month कीजिए, ठीक है। तो इधर 6 month करने से क्या होता है, कौन सा सेक्टर आता है, निफ्टी फार्मा। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा इस कॉलम में करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो नहीं समझ में नहीं आएगा। इसका 6 month कौन सा आ रहा है, देखिए इतना सारा 6 month का आ रहा है। तो इधर से आप लोग देख सकता है कि इधर, अच्छा, 6 month, 3 month, ये इस ऊपर से भी था, एक्चुअली ये ऊपर से देना चाहिए था नीचे तक, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब इसका सोच लीजिए 6 month का सोच लीजिए आप लोग, ये निफ्टी IT या निफ्टी फार्मा, ये चारों टाइम फ्रेम में मतलब कर सकता है। तो उसके बाद आप लोग निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा का सेक्टर में जाएंगे, उसके हिसाब से कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आप लोग देख सकता है। तो इधर जाइए, इंडेक्स में जाइए, तो सोच लीजिए निफ्टी फार्मा आप लोग देखेंगे। अभी जो मतलब करंट जो सिचुएशन चल रहा है, तो निफ्टी फार्मा को आप लोग देख सकता है या निफ्टी IT को भी देख सकता है, क्योंकि निफ्टी फार्मा एक्चुअली ये वीक है, ये COVID-19 के ऊपर ये ऊपर चल रहा है, लेकिन इसका इसीलिए जो एक्चुअली स्ट्रांग फंडामेंटल है उसी को आप लोग को देखना चाहिए। तो देखिए इधर से आप लोग थोड़ा सा जो इसको शॉर्टिंग कर लेना पड़ेगा, जो 365 में भी चेंज पॉजिटिव है और 30 days का भी चेंज पॉजिटिव है, इसमें से आप लोग स्टॉक चुन सकता है, ठीक है, इसमें से आप लोग स्टॉक चुन सकता है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। इसके साथ मैच करेंगे और दूसरा ये सब जो मतलब मैं दिखाया और उसके दिखाएंगे तो आप लोग और भी आप लोग को अच्छा मिलेगा। और अच्छा, इधर से आप लोग और भी जो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न भी आप लोग को इधर से मिल जाएगा, कैंडल स्टिक पैटर्न, एक मिनट, इधर से आप लोग को, अच्छा, कैंडल स्टिक पैटर्न, हाँ, इधर से देखिए बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न का भी आप लोग को देख सकता है। ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कहाँ पर बना है, वीकली वीकली हो सकता है, या वीकली 1 candle, मंथली बुलिश, वीकली बेयरिश कैंडल स्टिक, ये सब आप लोग को इधर से पूरा मिल जाएगा। ये आप लोग इधर से इसका चार्ट पैटर्न नोट कर सकता है। और इधर से मैंने एक खुद में एक बना है एक्चुअली, इसका भी आप लोग देख सकता है, उसका भी आप लोग देख सकता है। मैंने ऑलरेडी मेरा जो है जो सोशल मीडिया साइट्स है, मैंने इसका लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है, BWAP by BWAP sell, इसका आप लोग देख सकता है। तो आप लोग लाइव मार्केट में इसका टेस्ट करके देख सकता है ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने बाद में और भी करूँगा, वीडियो बनाऊँगा।
तो ये आप लोग देखते रहिए स्विंग ट्रेडिंग में कैसे इसका गारंटीड प्रॉफिट आ सकता है, ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ये स्टॉक्स मार्केट का न्यूज़ दिखाता हूँ, ये क्या बोल रहा है। देखिए, शशिधर जगदीश एंड टू रिप्लेस आदित्यपुरी एच HDFC बैंक CEO, तो HDFC बैंक CEO आप लोग को दिखाया था आदित्यपुरी, इसका छोड़ दिया है, मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था। तो इसका असर थोड़ा सा जब मैनेजमेंट चेंज होता है, स्टॉक्स का जो चेंज होता है, स्टॉक्स का इसमें जो चेंज आता है, ठीक है। ये आप लोग इधर से मैंने स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ये आप लोग खुल कर देख सकता है। थोड़ा सा इसको कमा देता हूँ, इसमें से थोड़ा सा नेट स्लो हो जाता है। तो होप आप लोग को ये स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, और भी मैंने इसके ऊपर वीडियो डालते रहूँगा। तो उसको जैसे मैंने इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया और टेक्निकल एनालिसिस दिखाया, और कहाँ से आप लोग को मिल सकता है, मैंने भी मेरा बाई सेल एक्सेल शीट से आप लोग को, जो लोग मेरा रेगुलर बेसिस पे बाइंग सेलिंग लेवल्स देखता है, मैंने भी इधर से कैंडलस्टिक पैटर्न बना के रखा हूँ। इनसाइड द बार NR4 NR7 हायर हाई हायर लोस आप लोग इधर से लेवल जस्ट देख के जाइए। मैंने इतना पढ़ूंगा तो मेरा थोड़ा सा टाइम जाएगा। बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सब पैटर्न आप लोग को बना के रखा है। तो आप लोग को चाहेंगे तो मैं भी उसको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आप लोग धीरे धीरे आप लोग मैंने इसको पूरा पढ़ सकता है, ये वीडियो से ही पढ़ सकता है, नहीं तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, ये आप लोग पढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, स्टॉक्स इन न्यूज़ सोच चीजिए, क्योंकि स्टॉक्स इन न्यूज़ एक्चुअली ये आज के लिए था, ठीक है। ये अगस्त अपडेट तो दिखाया था, ठीक है। इसका भी दिखा देता हूँ कौन सा स्टॉक्स न्यूज़ पे है, वो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग को बहुत सारा जितना सारा रिसोर्सेस मैंने देने का पॉसिबल है, जितना सारा मेरा जानकारी है वो मैंने देने का कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये सब स्टॉक्स आप लोग देख सकता है, स्टॉक्स इन न्यूज़ इन पिक्चर, स्टॉक्स इन न्यूज़ BSE TRF इंफोसिस बंधन बैंक एक्साइड इंडस्ट्रीज सागर सीमेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए, हियर आर द इन द स्टॉक्स इन न्यूज़ टुडे, ये टुडे का न्यूज़ था, ठीक है। ये KFC KEC LMB KEC का बारे में कल भी मैंने बोला था, ये लिंक आप लोग, ये सब ये एक्चुअली मैंने कल ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने इसका कल दे दिया था, तो इसका कुछ फ़ायदा तो है, मतलब इस वीडियो में कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इसका कल ऑलरेडी दे दिया था इसका, और ये इसमें रिपीट हो गया, ठीक है। तो अच्छा, फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड में फेस सेबी हिट एज ऑडिट सीज लैप्सेस, मतलब ये फ्रैंकलिन म्यूचुअल, ये जो फ्रैंकलिन टेम्पलन आप लोग जानता है, बहुत मतलब मशहूर म्यूचुअल फंड है, तो इसका मतलब सेबी का कुछ ऑडिट में कुछ गड़बड़ किया है, तो इसलिए सेबी का नज़र में ये आ सकता है, सेबी का स्कैनिंग में ये आ सकता है, तो इसका न्यूज़ आप लोग देख सकता है। एक क्या यूट्यूब वीडियो है क्या, एक मिनट, हाँ ये इसमें किसी ने यूट्यूब वीडियो बनाया, तो इसका वीडियो का लिंक भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये उधर से आप लोग देख सकता है। इसके बाद सोच लीजिए NSE BSE बाल्क डील्स प्रमोटर बंधन फिनेंशियल सेल्स नियरली 21% बंधन बैंक म्यूनिक रे सेल्स स्टेक इन अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। ये भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आप लोग देख सकता है। अच्छा, इसका जो देख रहा है BSE NSE बल्ब डील्स, और मेरा वीडियो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है इसमें, क्योंकि अब मैंने आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारा आप लोग देख सकता है, बहुत सारा चीज़ मैंने बना के रखा हूँ,
इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आप लोग को अपडेट करूँगा। ये जो टेक्निक मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का बता रहा हूँ और भी मैंने इसका बनाते रहूँगा। मैंने स्क्रिप्ट में जब पढ़ा है तो तब पहले ही मैंने बोला था, जुबिलियन लाइफ साइंस लॉन्चेस रेमडेसिविर पर इंजेक्शन एट 4700 पर वायल। हाँ, ये एक्चुअली ये कोविड का कुछ इंजेक्शन बना है, इसका 4700 का प्राइस है। ये कुछ इसका इसका भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। इसका कुछ बना है रेमडेसिविर, ये जो फ्लूवावीर बना है, ये रेमडेसिविर बना रहा है, क्लिनमार्क फ्लूवावीर बना है, और सिप्ला ने भी क्या बना था उसका नाम मैंने याद नहीं है। इसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो का लिंक में है। अच्छा, इसके बाद ये बिजुस नियर 400 मिलियन फंडिंग सेट भी वैल्यूएबल आफ्टर आफ्टर पेटीएम, ठीक है। इधर से भी आप लोग को ये भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एनडीटीवी में, ठीक है। आप लोग को ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इधर से मैंने सब आपका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, और इधर से आप लोग जो स्क्रॉल करके देख सकता है वो जो यूट्यूब वीडियो है वो आप लोग, लेकिन इधर से मैंने जो स्क्रॉल करता हूँ इधर से आप लोग धीरे धीरे वीडियो से ही पढ़ मेरा वीडियो से ही पढ़ सकता है, नहीं तो मेरे वीडियो में जो लिंक दिया हुआ है उधर से लिंक दे दूँगा। ये सब लिंक भी आप लोग को पूरा लिंक आप लोग को दे दूँगा, तो उधर से भी आप लोग पढ़ सकता है। रियल एस्टेट सेंटीमेंट हिट ऑल टाइम लो इन अप्रैल जून, स्टेक होल्डर्स रिमेन पेसिमिस्टिक फॉर 6 मंथ। मतलब रियल एस्टेट इतना अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, सबसे लो में अभी जा रहा है इसका, तो हालत ही ऐसा है। तो अभी इसका तो इसमें तो कुछ सेक्टर ज़्यादा अच्छा करेगा, कुछ सेक्टर का हालत बहुत ख़राब होगा, तो ये सब तो है ही। तो इधर देखिए इसका क्या देख रहा है, इसका भी आप लोग स्क्रॉल करके करके ये न्यूज़ पूरा पढ़ सकता है, ठीक है। और इसका लिंक भी आप लोग को, ये सब का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें जो और दिखाने का है इसका ट्राई गिव्स एयरटेल वोडाफोन आइडिया टाइम अंटिल अगस्त 10 ऑन प्रायोरिटी प्लान क्वेरीज, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी प्लान कौन सा है उन लोग को बताना पड़ेगा ट्राई को। टेलीकॉम रेगुलेटरी जो एसोसिएशन है इस इंडिया का सबसे, ठीक है, द रेगुलेटर एसेंट, ये सब ये खबर भी आप लोग पढ़ सकता है इधर से। टेलीकॉम सेक्टर में भी असर पड़ सकता है। सबसे अच्छा चीज़ जो होता है, फर्स्टली आप लोगों को सेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा कौन सा सेक्टर अच्छा है, उसके बाद आप लोगों को उसका मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसा आप लोगों को करना पड़ेगा, यही है आप लोग को मतलब थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग या डिलीवरी के लिए स्टॉक ढूंढने का यही तरीका है। और न्यूज़ पे जो है, न्यूज़ पे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली न्यूज़ पे ऊपर, लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली ठीक रहना चाहिए। ऑनली न्यूज़ के ऊपर आप लोग, मैं तो एटलीस्ट इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। रिलायंस आइंग नेटमेट डील्स, नेटमेट एक आप लोग जानता है ऑनलाइन फार्मा है, वो रिलायंस भी रिलायंस लेने के लिए देख रहा है। मतलब रिलायंस विथ रिलायंस आइंग फॉर नेटमेट डील ई फार्मेसी इन फॉर कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इसमें नेटमेट को ये फार्मेसी को ऑलरेडी ले लिया है एंड मेट लाइफ को ऑलरेडी ये देख रहा है, तो इसका ये रिलायंस के अंडर में आ सकता है। तो रिलायंस आप लोग जानता है कि ऑलरेडी ये फ्यूचर डील्स का फ्यूचर ग्रुप का साथ ये इसका हो गया है, अमेजन के साथ डील चल रहा है, तो ये सब इसका अभी रिलायंस इसका टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। और इधर से और कुछ अभी तक नहीं है, तो ये काफ़ी है अभी तक। अभी नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। तो आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और इसको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।